हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ छोरे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपनी गाड़ी को। इसमें लगवाई थी हमने सीएनजी, तो गाड़ी चल चुकी है लगभग 2000 किलोमीटर और आज इसका होगा फुल रिव्यू। कितना देती है माइलेज और कैसी है फिटिंग, गाड़ी भी साफ़ है आज। उस दिन गंदी थी थोड़ी, जब रिव्यू हमने डाला था इसका, सीएनजी लगवाने का वीडियो डाला था। तो इसमें सारा कुछ बताते हैं डिटेल्स, कितना स्पेस आ रहा है और क्या क्या इसमें दिक्कतें आई, कैसी चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी से, इसका गाड़ी का लुक कैसा आ रहा है। तो ये है, कुछ थोड़ी स्मॉल मॉडिफिकेशन भी करवा दी थी इस गाड़ी में, जैसे कि ये देख सकते हैं ब्लैक टेपिंग करवा दी है, स्पॉइलर भी लग चुका है गाड़ी में। तो जो पीछे से लुक आता था थोड़ा गंदा सा लगता था लोगों को, तो वो भी सही आ रहा है। अब दिखाते हैं सबसे पहले तो सीएनजी लगने के बाद इसमें स्पेस कितना बच रहा है। तो भाई ये देख सकते हैं स्पेस, इसमें सीएनजी लगाने के बाद काफ़ी अच्छा स्पेस है। स्टेपनी भी रखने के बाद इसको मतलब दो तीन बैग तो आराम से आ सकते हैं, मतलब काफ़ी सारा स्पेस है इस पर। देख सकते हैं यहाँ पे एक बैग आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, नीचे भी डाल सकते हैं। तो स्पेस तो काफ़ी अच्छा है और ऐसा कुछ है पीछे से लुक गाड़ी का। तो स्टेपनी इसमें खड़ी रहेगी, मतलब अंदर से लगवा सकते थे हम, लेकिन स्टैंड हमने लगवाया है इसका जो फ्लैट वाला होता है, तो उसके बाद स्पेस तो इतना ही आया है, लगभग ठीक ठाक स्पेस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते। अब इसको दिखाते हैं आगे से क्या क्या फिटिंग करी है। हाँ, तो ये आ गया है इसका, ऊपर करो। तो ऐसा कुछ आता है इंजन बे का लेआउट सीएनजी लगने के बाद में। तो बाहर से अगर देखेंगे मोटा मोटा तो ऐसा कुछ खास पता नहीं चलेगा कि सीएनजी कहाँ से लगी है। बस यहाँ पे हमारा रेड्यूसर आ गया और ये इसकी प्रेशर गेज है जो इसमें इंटरनल होती है, एक बार उसमें मीटर लगा होता है, वो गाड़ी के अंदर होता है। और यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं, ये इसकी पाइप आई है जो फिलिंग करने की और इसका यहाँ से फिलिंग हो जाएगी। और ये है किट, मीजो की प्रीमियम किट है, मीजो कंपनी की, इस पर देख सकते हैं प्रीमियम किट है। प्रीमियम किट में फ़र्क क्या होता है, इसका जो ये रेड्यूसर है ना थोड़ा बड़ा होता है, जो अगर नॉर्मल किट लेंगे तो उसका थोड़ा छोटा होता है। और यहाँ पर इसका ECU बांध दिया है, ये जो देख सकते हैं छोटा सा ये इधर बंधा हुआ है। और इसकी जो इंजेक्टर रेल होती है वो तो अंदर बांध दी है, वो भी दिख भी नहीं रही है। और यहाँ पे लगा दी है ये कंप्लायंस प्लेट। तो तीन साल होता है इसका वैलिडिटी, 3 साल के बाद दोबारा चेक कराने के बाद फिर वो होता है। और तो अंदर इसका बांधा है जो एक बटन दिखती है सीएनजी की, तो वो यहाँ पे लगा दी है। ये बताती है कि सीएनजी कितनी है, अभी नहीं है, दिखाते हैं ऑन करके। तो ये जैसे ही गाड़ी में ऑन करेंगे दिखा देगा, अभी जैसे ये ग्रीन वाली लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब गाड़ी अभी गैस पे नहीं है, अभी पेट्रोल पे है। तो अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसमें। अब गाड़ी हो गई है स्टार्ट। अब इसमें जैसे आती है ना कई गाड़ियों में इंजन चेक लाइट वगैरह, तो वो भी नहीं है इसमें। ये रेड लाइट जल रही है सीट बेल्ट की, अभी सीट बेल्ट लगा लेंगे तो वो भी नहीं चलेगी। तो गाड़ी में तो कोई लाइट वगैरह है नहीं, मीटर भी देख सकते हैं RPM वगैरह तो इसमें है नहीं, बेस मॉडल है तो इसमें कुछ फर्क पता नहीं चलेगा। साउंड भी बिल्कुल, और CNG पे गाड़ी अभी नहीं आई है, 10-20 सेकंड लगते हैं। अब गाड़ी आ गई है कंप्लीट CNG पे, अभी CNG लगभग 2 पॉइंट है, मतलब 50% CNG है टंकी में। तो यहाँ देख सकते हैं इंजन का वाइब्रेशन, जैसे अपने टियागो में दिखाया था ना, इसमें कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है हमारी गाड़ी में। और गाड़ी अभी है स्टार्ट, AC भी चला लेते हैं, 2 नंबर पे कर दी है। उसके बाद भी देख सकते हैं गाड़ी में कोई खास वाइब्रेशन तो है नहीं, तो गाड़ी तो अभी हमारी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है फिलहाल। अब चलाते हैं गाड़ी। और बेसिकली ये बताइए कि CNG में आपको एवरेज कितनी मिल रही है। CNG में एवरेज तो भाई साथ ही डलाई थी, कितनी लगभग 250 तो मान के चलो मोटा मोटा चल जाती है,
एक सिलेंडर में, एक सिलेंडर में 250 चल जाएगी, तो वही मान लो 7 किलो गैस अगर आती है, 7-8 किलो मान लो, 8 × 24 तो 30 का एवरेज तो है ही है। अच्छा मोटा मोटा, अब बंद करें यार वीडियो। तो ये हमारी गाड़ी अभी चल रही है लाइव सीएनजी पे, सीएनजी पे चल रही भाई एसी और के ये साथ, फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हम, और अभी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा मेरे को तो पेट्रोल में और इसमें, नॉर्मल मतलब चल रही है ठीक ठाक, कोई गाड़ी में लैग नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कुछ वो भी नहीं है, साउंड की दिक्कत भी नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा खड़खड़ खड़खड़ कर रही है। और एक बात और है, इस गाड़ी में भी एडवांसर नहीं लगवाया हमने, तो एडवांसर इसलिए नहीं लगवाया है, अभी 4 सिलेंडर गाड़ी है तो उसने बोला अभी एडवांसर मत लगवाओ, पहले चला के देख लो 4-5 हज़ार किलोमीटर, अगर बढ़िया चल रही है तो फिर कोई जरूरत तो है नहीं, नहीं चलेगी तो फिर देखेंगे लगाएंगे हम भी भैया 4-5 हज़ार खर्चा और बढ़ाएंगे, डायनेमिक वाला लगवाऊंगा या तो नॉर्मल वाला, देखते हैं कौन सा सजेस्ट होगा। फिलहाल तो हमारी चल रही है बढ़िया, तो अभी तो कोई दिक्कत है नहीं इस पर, दिखाइयो चेक लाइट कोई आ नहीं रही है गाड़ी में, परफॉर्मेंस भी सही जा रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो फिलहाल आ नहीं रही है गाड़ी में। ये गाड़ी का पिकअप जो है सीएनजी में भी ऐसा दम मार रही है, झाए चल रही है भैया, झाए पता तो चल नहीं रहा सीएनजी में ज्यादा, बाकी ज्यादा लोड होगा तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल 2 लोग चल रहे हैं, 4-5 लोग भी बैठे हैं तो कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। बेसिकली वही है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है और हाँ छोटा कैबिन है और नया इंजन है। हाँ अब ये है कि पहाड़ों पे चलेंगे कभी, फिर देखते हैं पहाड़ों पे क्या हिसाब किताब है इसका, फिलहाल तो रोड पे तो बढ़िया ही चल रही है, अच्छा खासा पिकअप है, परफॉर्मेंस है, जाम में भी देख लो एसी के साथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, एक नंबर चल रही है। सीएनजी लगवाना है भैया लगवा लो जिसे लगवानी है, बाकी रेट वेट का देख लेना थोड़ा हिसाब किताब, क्योंकि सीएनजी में पेट्रोल में कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है, पेट्रोल ही उल्टा महंगा है, सीएनजी महंगी है। अब यूपी में चले जाओ मथुरा की तरफ और इधर चले जाओ हरिद्वार साइड, तो भैया सीएनजी तो पेट्रोल से भी महंगी है, वो थोड़ा फर्क है, बाकी माइलेज की बात करो तो भैया सीधा सीधा डबल है, पेट्रोल में देती 14-15, सीएनजी में दे रही 25 से 30, तो माइलेज का फर्क तो आ जाता है, बाकी रेट का तो फर्क है। अभी नोएडा में तो हमारे 82-83 रुपए किलो है तो यहाँ तो ठीक है, बाकी यूपी में और इधर उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा रेट है, अगर उधर जाते हैं यूपी तो नोएडा में भी है, लेकिन जो इंटीरियर इलाके हैं कानपुर की तरफ जाओ इटावा की तरफ, तो सीएनजी के रेट के हिसाब से देख लो भैया, जहाँ पे बहुत महंगी है वहाँ तो मेरे हिसाब से क्या ही लगवाएगा कोई, 100 रुपए में सीएनजी है तो क्यों डलानी फिर, बाकी जहाँ सस्ती है वो लोग तो लगवा ही लो। तो ऐसा था कुछ हमारा रिव्यू सीएनजी लगवाने के बाद में। तो इग्निस गाड़ी लगभग हमने सीएनजी पे चला दी है, 2000 लगभग चल गई है, तो अभी तो बढ़िया चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं खास, अभी गए थे तो वहाँ ट्यूनिंग वगैरह अभी कर दी है दोबारा, तो अभी मतलब ज्यादा कोई फर्क तो पड़ा नहीं। और जैसे कि हमने वीडियो में आपको बताया कि मतलब गाड़ी में कोई दबने वगैरह की इशू नहीं आ रहा, कोई वाइब्रेशन नहीं आ रही है और सब कुछ सही है, बिना एडवांसर के भी चल रही है फिलहाल तो। और माइलेज की अगर बात करते हैं तो 25 से 30 तो आराम से दे रही है, किसी दिन 25 भी दे देती है 30 भी दे देती है, अगर जाम जूम लग गया वो थोड़ा रहता है, और हाईवे पे भी बहुत लंबी ड्राइव पे तो गए नहीं है, लंबी ड्राइव पे जाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस अलग शेयर करेंगे। बाकी हमने आपको लोकल का एक्सपीरियंस बता ही दिया था, क्योंकि बेसिकली लोग बोलते हैं कि सीएनजी लगवाने का फायदा नहीं है, पेट्रोल से सीएनजी में इतना डिफरेंस है। फायदा तो भाई नोएडा में तो फिलहाल फायदा है, जहाँ पे सीएनजी यहाँ सस्ती है, अब जिस जगह सीएनजी 100 रुपए से ऊपर है तो वहां पे तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, खैर गाड़ी में भी फिर उतने नुकसान भी होते हैं, ज्यादा जगह भी नहीं बचती है तो वो फिर फायदा नहीं है। इधर तो अभी ठीक है, हमारी रनिंग कॉस्ट लगभग 2.5 से 3 रुपए किलोमीटर आ रही है, पेट्रोल से सीधा आधी है, पेट्रोल में अगर 20 का भी एवरेज जोड़ लो तब भी 5 रुपए किलोमीटर पड़ रही है, वैसे 5 पड़ती नहीं है, 6 और 6.5 पड़ती है, 14-15 का ही माइलेज देती सिटी में, 16 दे देगी बहुत ज्यादा दे देगी, चलो 18 दे देगी, 20 तो देती नहीं है सिटी में, 20 तो हाईवे पे देती है। तो ये है हमारा फीडबैक अभी तक फिलहाल 2000-2500 किलोमीटर का, बाकी आगे देखेंगे जैसी चलाएंगे, अगर कुछ दिक्कत परेशानी आएगी तो फिर आपसे शेयर करते हैं।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी हम काफी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे रिगार्डिंग सीएनजी और क्या परफॉर्मेंस है हमारी गाड़ी की। थैंक यू सो मच।